नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है, उस मैसेज के टॉपिक पे आज का टॉपिक है। गारंटीड 1 करोड़ इंश्योरेंस प्लान कैसा है? इंश्योरेंस में 5 लाख रुपया सालाना देना है 12 साल तक मात्र, और 3 साल रुकने के बाद 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, एकदम गारंटीड है, लिखा हुआ ठप्पा मार के। ऐसे करके 5 5 लाख रुपया 12 साल तक देना है और 3 साल चुप बैठना है, कुछ नहीं पैसा देना है, 3 साल इंतजार करना है, खट से 1 करोड़ रुपया मिल गया। कितना बढ़िया प्लान है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अमीर अमीर लोग हैं, दे देंगे पैसा भाई। बड़े बड़े बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, बढ़िया प्लान है, समझाया, समझ गए और लगा दिए, 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो इसमें अगर परसेंटेज सोचेंगे ना, तो साधारण खोपड़ी से सोच नहीं पाएंगे। हमारे पास ऐसा कैलकुलेटर है कि सोच लेंगे। जितना भी एडवाइजर होते हैं ना, नया नया शादी होता है, अरे जिया जी का तो अच्छा पैकेज है, जिया जी 5 लाख रुपए सालाना का कर लीजिए ना। अगर इस बेचारे को पता चल जाए, एडवाइजर को, कि जिया जी को जो हम प्लान दे रहे हैं वो मात्र 5.5% का ब्याज मिलेगा, तो ये तो अंदर से कभी नहीं चाहते हैं, हृदय से, कि जिया जी हमारे गरीब हो जाएं, ये तो कभी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन है। आपको स्टार एसआईपी पहले तो प्लान देख लेते हैं। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का, ये प्लान है गारंटीड करोड़पति प्लान। वाह, कितना अच्छा है। पे 5 लाख रुपया फॉर 12 ईयर्स, 5 5 लाख रुपया 12 साल देना है, और 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया मिल गया, एक पे 7-0 दे करके बैंक में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 60 लाख रुपया मात्र जमा करना है, 1 करोड़ 45 लाख 820 रुपया, यहाँ पे 420 लिखना चाहिए, 820 नहीं, 1 करोड़ 45 हजार 420 रुपया मिलेगा, ऐसे करके होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा प्लान, एट्रैक्टिव लगता। तो अब देखते हैं, पहले तो कैलकुलेट करते हैं। आपको इसके लिए starsip.in में एनुअल एसआईपी में जाना है। एनुअल एसआईपी में गए और 5 लाख रुपया सालाना दिया 12 साल तक, और मात्र 5.5% लिखा हूं, तो 60 लाख रुपया 12 साल में दे देंगे, और 5.5% ब्याज अगर बैंक पोस्ट ऑफिस में डाले होते तो 86 लाख 83 हजार रुपये मिल जाएगा। अब इस 86 लाख 43 हजार को वन टाइम लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दें 3 साल तक, बोलते हैं 3 साल चुप बैठना है, रुकना है, 46 लाख 43 हजार 399 रुपया 3 साल के लिए छोड़ दिए उसी 5.5% के रेट से, तो 1 करोड़ 1 लाख 49 हजार रुपया होता है, उससे ज्यादा जो पहले दिखाया गया है। गारंटीड प्लान में ये जो पैसा दिखाया गया है 1 करोड़ 45 हजार, इससे ज्यादा आपको यहां पे बन जाता है 1 करोड़ 1 लाख 49 हजार, यदि मात्र 5.5% का ब्याज मिलता रहे तो। पर यदि आईसीआईसीआई के प्लान में ही आप इन्वेस्ट कर देते, म्यूचुअल फंड में, नॉट इंश्योरेंस, आईसीआईसी बैंक अलग कंपनी है, आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस अलग कंपनी है, और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड अलग कंपनी है। हम यहां पे मचमच फंड का बात कर रहे हैं कि आईसीआईसी के किसी भी प्लान में 40 हजार रुपये सालाना अगर जमा कर देते, अगर हम बात करते हैं 5 लाख/12, 41,666 रुपया आता है, 1,666 रुपये हटा देते हैं और बचा कितना 40,000 रुपये मंथली 12 साल तक अगर करें, 12 साल तक अगर करें, आईसीआईसीआई के सारे प्लान है यहां पे। तो पहला फंड आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, दूसरा है आईसीआईसीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी। 40,000 रुपया 12 साल तक गया, एक फंड में बना है 2 करोड़ 9 लाख, दूसरे में बना है 1 करोड़ 87 लाख, तीसरे में बना है 1 करोड़ 76 लाख। सबसे नीचे का बॉटम का अगर फंड देखते हैं, पिछले 12 साल में बना है 1 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 43 लाख। फंड का नाम है आईसीसी पोटेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर, आईसीसी पोटेंशियल फोकस्ड इक्विटी, ये ईएलएसएस टैक्स बचाने वाला और फोकस्ड इक्विटी। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी हमारा अच्छा फंड है, पुराना फंड है, वैल्यू डिस्कवरी एवरेज फंड भी देखा जाए तो 1 करोड़ 76 लाख 96 हजार, 17% के रेट से 12 साल में बनाया है। इस पैसे को 3 साल और छोड़ू, मान लेते हैं कि एवरेज एवरेज सब में बराबर बराबर आप कर देते, 8 फंड है, 5 5 हजार सब में कर देते, और एवरेज 1.5 करोड़ रुपया 12 साल में बन गया है, मान लेते हैं। अब उस एवरेज 1.5 करोड़ को लमसम में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, जो 3 साल चुप बैठने बोलते हैं, और 15% का रिटर्न, पीछे तो एवरेज 16 17 मिला, हम 15 कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया 3 साल के लिए छोड़ते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यह पैसा बनता है 2 करोड़ 28 लाख रुपया। कहां तो 1 करोड़ रुपया गारंटी बोलते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में जाएं, एवरेज भी
सब में डाइवर्सिफाइड करके लगा दें तो भी मिनिमम 2 करोड़ रुपया बन जाता है, उससे ज्यादा बन जाएगा, उससे कम नहीं बनेगा। अगर लंबे समय के लिए, अगर इतना ज्यादा समय है, 12 साल 15 साल का समय है, तो म्यूचुअल फंड से बेहतरीन ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। आप क्लियरली यहां देख सकते हैं ये सारे फंड यहां पे ICICI के इक्विटी प्लान के मेंशन है। यहां पे अगर बराबर बराबर करके हम सारे पैसे को SIP में लगा दें लंबे समय के लिए, तो कम से कम 2 गुना पैसा हुआ है वो उस इंश्योरेंस के तुलना में। लेकिन एक क्वेश्चन होगा कि वहां पे तो इंश्योरेंस भी है, तरह तरह का बेनिफिट भी है, तो इंश्योरेंस अगर है तो आप क्या कीजिए, हमने 40,000 यहां मेंशन किया था और पैसा बनता है 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 41,666, 1,666 रुपया गुना 12 करेंगे तो लगभग 18-19,000 रुपया सालाना आता है। उस 18-19,000 सालाना से एक टर्म प्लान 1 करोड़ रुपया का ले लीजिए, अगर मरेंगे तो 1 करोड़ रुपया गारंटी है, अगर नहीं मरे तो 2 करोड़ रुपया गारंटी है। इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसा मिलता है, मर गए तो 1 करोड़ रुपया मिल गया, पर अगर जिंदा रहे तो कितना मिलेगा, अगर जिंदा रहे तो यहां पे अगर म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो 2 करोड़ रुपया बन जाता है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोचेंगे लंबे समय में कैलकुलेट करेंगे तो वहां से कहीं ज्यादा म्यूचुअल फंड में बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से करके कोई भी प्लान हो इंश्योरेंस का, पहले आप उसको कैलकुलेट कीजिए, फिर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि आप सजेस्ट कीजिए, हमने 2 LIC पॉलिसी लिया है, एक में 1 लाख रुपया सालाना और दूसरे में 50,000 रुपया सालाना, एक ही साल हुआ है 1.5 लाख रुपया जमा किए हैं, अब कम से कम 3 साल जमा करूं मैच्योरिटी पर कुछ मिलेगा, क्या करना चाहिए, 3 साल तक और दूसरा 25 साल तक का प्लान है। अगर आपका ये यूलिप प्लान है तो 1 लाख रुपया जिसमें दिए हैं और 50,000 दिए हैं, अगर ये यूलिप प्लान है, मार्केट रिलेटेड प्लान है, तो आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो पैसा 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल प्लान है तो मिनिमम 5 साल आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं ट्रेडिशनल प्लान के केस में, अगर यूलिप है तो सीधा बंद कीजिए और बात करके 5 साल के बाद वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा डिसकंटिन्यूटी फंड में चला जाएगा, 1 लाख या उससे कम ही लगभग 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और उस 1-1 लाख रुपया को आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। अगर दूसरा ट्रेडिशनल प्लान है, 1 लाख रुपया आपने जमा किया है तो आपको अभी सरेंडर करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 5 साल पैसा जमा करते हैं तो 5 लाख रुपया दे देंगे, तो पता चलता है कि 5 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो 3.5 लाख मिलेगा या 4.25 लाख मिलेगा। यानी कि अभी अगर छोड़ते हैं तो 1 लाख का नुकसान है, बाद में छोड़ते हैं पैसा देने के बाद इंतजार भी करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान है। तो मैं आपकी जगह होता और मैं यहाँ लगाया होता और इतना ही पढ़ता अभी जितना पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता, 1 लाख को नुकसान को सह लेता, क्योंकि जितना लंबा आप चलते रहेंगे नुकसान उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ये सारा कैलकुलेशन आप StarSIP.in में जाके कैलकुलेट खुद से करेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे बंद करके उस पैसे को आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। जहां तक आप 25 साल और 30 साल का बात करते हैं, अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, यहां करके देख लीजिए, 25 साल और 30 साल का जब बात होता है, 1 लाख रुपया सालाना एनुअल SIP में चले गए और 1 लाख रुपया सालाना यहां पे लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे 25 साल लिख लेते हैं, और यदि 12% का भी रिटर्न मिलता है तो पैसा कितना होता है, 25 साल में 25 लाख रुपए जमा करेंगे और पैसा लगभग 1,49,00,000 रुपए बनता है 12% के रेट से। 13% के रेट से कैलकुलेट कीजिए तो कितना बनता है, 1,75,00,000 आपको इंश्योरेंस प्लान में कितना मिलेगा। अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे कैलकुलेट कर लूं 5% के रेट से 50,11,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता है, उससे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 1 लाख रुपया या 50,000 नुकसान हो रहा है। अगर तो आपका यूनिक प्लान है वो पैसा लगभग आपको मिल जाएगा, ट्रेडिशनल प्लान है तो कंटिन्यू मत कीजिए, डिसकंटिन्यू कीजिए या कुछ कागजी कार्रवाई कीजिए, आना जाना कीजिए कि भाई हम तो गलत प्रोडक्ट में फंस गए, हमको समझ में नहीं आया। तो बहुत केस में देखा गया है कि ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो वो पैसा वापस भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको लगना पड़ेगा। दूसरे कॉमेंट्स की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉमेंट, राजू सर इलेक्शन में मार्केट पर क्या असर होगा, कौन सा पार्टी जीतने के बाद मार्केट का क्या होगा। कोई भी पार्टी आए और जाए, हमारे और आपकी ज़िंदगी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एज पर प्लान है ऊपर से सब कुछ होता है, कोई आए कोई जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आएंगे उनके लिए ही काम करेंगे, हमको जैसे चलना है वैसे चलें। हाँ, हम सब अगर जागरूक हुए
तो जो प्लान है वो प्लान पीछे हटता जाता है, पीछे हटता जाता है। और ऐसे मूर्छा में अगर जीते रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, धीरे 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 शिकंजा कसता रहेगा। ये इलेक्शन विलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 5% 10% कभी गिर जाए तो इसमें कुछ भी मत सोचिए कि इलेक्शन की वजह से हो गया, फिर 1-2 महीना में देखेंगे फिर बढ़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ इवेंट से। जो ग्रोथ अगर है पूरे देश का तो मार्केट का ग्रोथ होगा ही होगा। पूरे वर्ल्ड जो है ग्रोथ के ट्रैक पे है, तो मार्केट इसीलिए हर जगह पे बढ़ रहा है। टेम्पररी कहीं पे भी गिरावट आएगा, पर उस गिरावट से इन्वेस्टर को डरना नहीं है। उस गिरावट में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। 12 से 15 साल का ड्यूरेशन रखिए और टारगेट रखिए फिक्स कि 1 करोड़ रुपया जब तक नहीं होगा मार्केट से हिलेंगे नहीं, तो कंटिन्यू कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हम गवर्नमेंट जॉब में 85,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, एनपीएस में 20,000 जाता है और 5,000 रुपये पर मंथ ईएलएसएस में जाता है, तो 20+25,000 हो गया। अगर मैं आपके जगह होता तो क्या करता, इसको 10,000 कर देता और 5,000 ईएलएसएस, 15,000 हो गया। तो 15,000 × 12 180,000, मतलब लगभग आपको 80% में जो बेनिफिट चाहिए वो 15,000 में 12,500 रुपये पर मंथ से पूरा हो जाता है। पर आपने उससे ज़्यादा कर दिया 15,000 पर मंथ ईएलएसएस के लिए। यहाँ भी 80% में आपको छूट मिलता है और ईएलएसएस में तो मिलता ही है, तो दोनों मिला के 15,000 हो गया। इस 10,000 को यहाँ कम कर दीजिए और इसको स्मॉल कैप में आप 2,000 रुपया करके टॉप जो स्मॉल कैप एएम वाइज है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। हाउस वाइफ के नाम पे मैक्सिमम कितना एसआईपी कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हैं, जितना आपका पैसा बचता है। उनको 30,000 रुपया सैलरी दे दीजिए हाउस वाइफ को। अगर आप होटल में रोज खाना खाते तो पैसा लगता, उनको आप समझिए कि 30,000 रुपये पर मंथ का सैलरी दे दीजिए वो जो काम करते हैं, उतना आप उनके नाम से एसआईपी कर लीजिए। कोई टैक्स टूक्स नहीं आता है। 7,000 रुपये पर मंथ एसआईपी वाइफ के नाम पे कर रहे हैं, 20-25,000 रुपये भी करेंगे तो कोई टैक्स टूक्स नहीं आएगा। उनका जब एसआईपी अमाउंट बढ़ेगा फिर आप निकालेंगे तो टैक्स जो 10% कटेगा वो कट जाएगा। 90% अपना है, 10% टैक्स जाएगा तो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ अमीर लोग हैं, बोलेंगे मेरे पास तो बहुत पैसा है, 12 लाख है, 50 लाख है, शॉप खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं। पहले तो प्लॉट इतना ज़्यादा रिटर्न दिया, शॉप खरीदे 50 लाख का, 4 करोड़ का हो गया। अब उनके लिए ये डाटा अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना कौन सा कितने करोड़ का हो गया। यहाँ पे अगर starsip.in में जाते हैं, यहाँ पे 12 साल का रिकॉर्ड है सिर्फ स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12 लाख रुपया 2013 में लगाया, डेट एकदम एग्जैक्ट मेंशन है। उस 12 लाख का 10 साल के बाद वैल्यू है 1,42,00,000। SBI स्मॉल कैप में अगर लगाया 12 लाख आज से 10 साल पहले वन टाइम, तो 1,27,00,000 रुपया है। अगर इस एरो को आप फिर से टच करेंगे तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, 50 लाख रुपया अगर है और आप सोच रहे हैं कॉर्नर का बर्फी साइज वाला टुकड़ा रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए, पहले यह वीडियो देख लीजिए। 10 साल पहले जिसने 50 लाख रुपया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगाया था, उस पैसे का आज वैल्यू है 5,93,00,000। खोपड़ी में समझ में नहीं आएगा ये फिगर। अगर SBI स्मॉल कैप का बात करें तो 50 लाख रुपये वन टाइम लगाया था 20/11/2013 में, तब से लेके अब तक मार्केट ऊपर नीचे कितनी बार हुआ, फिर भी SBI स्मॉल कैप ने पैसा बनाया है 5,29,00,000, 26% का रिटर्न दिया है। सबसे खराब वाला नीचे वाला अगर फंड देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो उसने 17.95% का रिटर्न दिया है और फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया था 10 साल पहले, तो इसने बनाया है 2,60,00,000। क्या सारे फ्लैट, सारे बर्फी साइज वाला टुकड़ा जो खरीदे थे कॉर्नर का, वो इतना पैसा बना दिया है? अगर तो नहीं बनाया है तो एक स्टैंड बाय अगला म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़िए, और उतने ही समय के लिए छोड़िए जितने समय के लिए जमीन में छोड़े हैं। अरे हमको इस जमीन का क्या करना है, ये तो हमारे बेटे के लिए है, पोता पोती के लिए। उतना लंबा समय छोड़ेंगे तो सारे प्लॉट को मिला करके 4-5 प्लॉट मिला देंगे और वो एक म्यूचुअल फंड होगा, तो वो उससे कहीं ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।